दोस्तों आज हम कोई जानकारी लेकर के आपके सामने नहीं आए हैं। बार बार मुझे एक ही कमेंट सुन करके बहुत हंसी सी आ रही है कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी काम तक नहीं किया है, वैक्सीनेटर हैं, सहायक हैं, उन्होंने उनका मतलब बिल्कुल एक भी काम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनको एक ही चीज की फिक्र पड़ी हुई थी, सैलरी 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 कितना है कितना है कितना कितना मिलेगा। तो जरूर बेशक कम है, लेकिन आप लोग पहले कुछ काम तो कीजिए, और अगर जैसे सरकार नहीं बढ़ाती है तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं जल्द ही जो है इस मैटर पे ट्वीट कर रहा हूँ, पीएम को भी और पशु विभाग को भी मैं इस पे जो है ट्वीट करूंगा, जो भी जानकारी होगी योगी जी को भी मैंने ट्वीट के माध्यम से बताऊंगा, अपनी बात उनके सामने रखने के प्रयास करूंगा कि वैक्सीनेटर और सहायक का जो है इतने में कल्याण नहीं होने वाला 3 रुपए 2 रुपए में, तो इनकी जो है कुछ या तो मंथली सैलरी फिक्स किया जाए या तो फिर इनको जो है कोई और सिस्टम किया जाए जिससे इनकी जीविका चल सके, क्योंकि इतने में हमें लगता है कि कुछ काम चलने वाला नहीं है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है युवा जुड़े हैं, सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि अब उनके सामने एक ये चीज आता है कि अपना अदर कोई काम कर रहे हैं, कोई जो भी करियर है उनका, अगर इसमें वो परमानेंट जुड़ते हैं तो हो सकता है कि उस पर फोकस ना कर पाए, और अगर इस काम पे फोकस कर देते हैं और भविष्य में अगर इसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता है तो उनकी लाइफ जो है अंधकार में आ जाएगी। तो इस वजह से अगर जो भी व्यक्ति जुड़े हैं इससे, तो सरकार को सोचना चाहिए कि वैक्सीनेटर और सहायकों को इतनी सैलरी तो जरूर दिया जाए कि जिससे उनका जो है जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके। और मैं लगातार इस मैटर पे वीडियो बनाता हूं ताकि सरकार का कोई भी अधिकारी अगर इस बात को सुने, जो भी इस समय अधिकारी लोग हैं वो हमारी बात को देखते होंगे सुनते होंगे, तो इस चीज को सुनने के साथ समझने का भी प्रयास हो करें और इनके लिए कुछ अच्छा से अच्छा किया जा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग, अंकुर तिवारी के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।